अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाय एक बार फिर राजनीति का विषय बन गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2018 में होने वाले ग्रामीण चुनावों से पहले राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में गाय बांटने का फैसला लिया है। राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री स्वप्न देवनाथ ने कहा कि इस परियोजना से ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही साथ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्दी ही गाय देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले कुछ महीनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने जिलों के पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को गाय देने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि वो सभी परिवार आत्मनिर्भर बन सकें। मंत्री स्वप्न देवनाथ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गाय बांटने से हम दूध उत्पादन को बढ़ाने में सफल होंगे, इसलिए हमने गाय के बछड़ों को देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की लेफ्ट सरकार की तुलना में तृणमूल सरकार के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में दूध का उत्पादन 16% बढ़ा है, लेकिन यह अब भी कम है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं। यह पूछने पर कि गाय देने का निर्णय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वप्न देवनाथ ने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार हर परिवार को एक गाय मिलेगी। इस योजना की शुरुआत बीरभूम जिले से होगी। राज्य सरकार ने शुरुआती तौर पर 1000 गायों को देने का लक्ष्य रखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।